फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी क्रिस्पी एंड टेस्टी आलू पूरी। ये नॉर्मल पूरी से थोड़ा अलग फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप आटा, इसके ऊपर मैं आलू घिस लूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है 2 उबले हुए आलू, आलू को आप मैश कर भी ले सकते हैं। अगर आप इस तरह से घिस कर लेंगे तो आलू की गुठलियां नहीं रहेगी, गुठलियां रहेगी तो पूरी फूलेगी नहीं हमारी। थोड़ा चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा डालूंगी, 1 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। पूरी मेरी एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने इसलिए मैंने 1 बड़ा स्पून सूजी लिया है, सूजी मैं ऐड कर रही हूँ। आटा मुलायम और सॉफ्ट बने इसलिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसका मैं एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसे गूंथ लीजिए, पानी आप ध्यान से डालिए क्योंकि आलू भी पानी छोड़ता है। हमने इसमें घिसे हुए आलू ऐड किया है, डो मैंने तैयार कर लिया है। इसे मैंने ना ज्यादा सख्त और ना ज्यादा सॉफ्ट गूंथा है, पूरी वाले आटे की तरह ही गूंथना है इसे। अब मैं डो को ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। 10 मिनट हो चुका है, अब मैं लोई बना लेती हूँ। आपको जैसी पूरी पसंद हो, छोटी या बड़ी, आप उस अकॉर्डिंग लोई लेकर लोई तैयार कर लीजिए। मैं लेमन के साइज का लोई तोड़कर हथेली पे रखकर राउंड राउंड गोल शेप दे रही हूँ, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। देखिए लोई बिल्कुल स्मूथ बनी है, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए लोई, वरना पूरी फट जाएगी। अगर आप छोटी पूरी बनाएंगे तो 1 कप आटा से 15 से 16 पूरी बन जाएगी। मैंने लोई थोड़ा बड़ा लिया था इसलिए 13 बने हैं। अब मैं पूरी बेल रही हूँ, आप इसे तेल या आटा लगाकर बेल लीजिए। मैं इसमें तेल लगाकर बेल रही हूँ, आप इसके शेप को बिल्कुल ना देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पूरी मेरी बेल गई है, इसे मैंने ज्यादा बड़ा नहीं रखा है। अब मैं इसे तल लेती हूँ। अब मैं अपनी पूरियां तल रही हूँ, तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए वरना पूरी फूलेगी नहीं। आप पूरी के ऊपर इस तरह से तेल उड़ेल ले, इससे पूरी फूल जाएगी। अब मैं पूरी को पलट रही हूँ, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। आलू पूरी बिल्कुल रेडी है, तो आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।